हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th का हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका कोड 002 है। और जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको यही वाली किताब लगवाई जाती है स्कूल में, ठीक है। तो मैंने इससे पहले जो कोर वाली है वो भी मैंने प्रोवाइड की थी। ये ऐच्छिक होती है, इलेक्टिव होती है, तो ये दिल्ली के बच्चों के लिए ये वाले होते हैं। तो मैंने और भी बहुत सारे सिलेबस प्रोवाइड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसमें पेपर का पैटर्न भी दे रखा है कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। और चाहे आपका टर्म फर्स्ट हो या टर्म सेकेंड हो, ये पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। बस टर्म फर्स्ट में चैप्टर थोड़े से कम आएंगे और टर्म सेकेंड में चैप्टर जो है आपके पूरे आएंगे, पूरी किताब आएगी। तो देखो, पेपर का पैटर्न यहाँ साफ बता रखा है कि पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आएगा, उसमें आपकी जो है दो पैसेज होंगी, एक 10 नंबर वाली, एक 8 नंबर वाली, MCQ में होगी। फिर अव्यक्ति और माध्यम, ये आपकी एक और किताब होती है तीसरी, जो ग्रामर की होती है, जनरली बच्चे से लेते नहीं है, सपोर्टिंग मटेरियल से ही कवर हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्टिंग मटेरियल आपको हिंदी का स्कूल से मिलेगा, आप उसमें से आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पार्ट एक और दो पर आधारित 5 MCQ आएंगे। छोटी सी बुक होती है, ज़रा मोटी नहीं होती है और बहुत ही आसान है ये, ठीक है, ये 5 नंबर की है। फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में आपकी कविता आएगी, तो उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, वो करने होंगे, जैसे पैसेज है ना वैसे ही है ये। तो ऐसे चैप्टर में से आएगी, ये कविता में से आएगी, ये गद्यांश में से आएगी, जो कहानियाँ होती हैं उसमें से 5 नंबर की आएगी। और फिर पूरक पाठ्य पुस्तक है ये, जो आपकी किताब है ना अंतराल भाग एक, आपकी किताब का नाम है अंतराल भाग एक, ठीक है। तो यहाँ 7 क्वेश्चन होंगे MCQ में आएंगे, जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है वो इसको कर लेगा। फिर वही अव्यक्ति और माध्यम से फिर आगे के फिर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको जो है, देखो यहाँ पर आपको घटना के आधार पर दृश्य लिखना है। आपने कोई घटना देखी, जैसे आपने प्लेटफॉर्म का सीन देखा, आपने एक्सीडेंट देखा, उसके बारे में लिखो, ऐसे आएगा। औपचारिक पत्र आएगा या स्वीकृत लेखन, या रोजगार के लिए आपको नौकरी के लिए एक लेटर लिखना है, इनमें से कोई भी दे सकता है। और आपका एक व्यवहारिक लेखन है, मतलब रिपोर्ट राइटिंग होती है ना जैसे, या नोटिस अपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो वो सब यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं। एक कोई सा भी देगा, दो देंगे, उनमें से एक करना होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो 3 में से 3 नंबर का है लिखा भी यहाँ पर, विकल्प सहित 2 में से 1 करना होता है। और फिर अव्यक्ति और पाठ्य पुस्तक में से कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि जनसंचार के माध्यम कौन से होते हैं, और पत्रकारिता कौन सी होती है, डॉग वॉच पत्रकारिता कौन सी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में यहाँ पर ये आप किताब के क्वेश्चन आंसर है, 3 में से 2 करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ काव्यांश है, तो यहाँ पर आपको 2 में से 1 करना होगा, लिखा हुआ विकल्प सहित, लॉन्ग आंसर है। फिर गद्य खंड में 3 में से 2 करने होंगे, फिर 2 में से 1 करना होगा यहाँ पर। ये आप पैटर्न देख सकते हैं, आराम से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अंतराल भाग एक में से यहाँ पर आपको देखो, ये भाग एक अंतरा था, ठीक है, और ये अंतराल भाग एक है। तो इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, जो आपकी एक पतली से बुक होगी उसमें से, ठीक है, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। बाकी स्कूल के अंदर आपका ये श्रवण वाचन प्रोजेक्ट वगैरह करवाएंगे, देख लो प्रोजेक्ट कितने का है। ये आपका 10-10 मार्क्स के 2 चीज़ें रहेंगी, स्कूल के हाथ में, टीचर के हाथ में 20 नंबर है, ठीक है। और बुक आप कौन सी लेंगे यहाँ पर बता रखा है, NCERT की ले सकते हैं आप, ठीक है। और कई बच्चे आंसर वाली बुक भी खरीदते हैं हिंदी के लिए, तो वो आपकी मर्जी है। तो आप देख लो, ये जो लेसन आप देख रहे हैं ना, ये डिलीटेड हैं, आपको ये नहीं पढ़ने। देख लो, ये देखो, ये पाठों से प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये डिलीट हो गए। तो जो नई बुक्स आ रही है उनमें ये चैप्टर नहीं लिखे आ रहे, ठीक है डियर। तो ये मैंने बताना जरूरी समझा। अब उसके बाद तो 12th का दे रहेगा, हम 11th की बात कर रहे हैं खाली। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।